सनसनी ऑफ इंडिया। बड़ी बड़ी कंपनियों को टारगेट करके कंपनी के ऑथराइज्ड सिग्नेचर अथॉरिटी पर्सन की सिमिलर फेक ईमेल आईडी और कंपनी का फेक लेटर हेड बनाकर ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले गैंग के फरार वांटेड दो आरोपियों को दक्षिण पूर्वी जिले की साइबर थाना पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। गैंग का सरगना एक अफ्रीकी नागरिक है। गैंग के सरगना और एक अन्य सदस्य को यूपी पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। गैंग के सरगना और गैंग के सदस्य रुखसार मंसूरी के बीच धोखाधड़ी के पैसे के बंटवारे को लेकर विवाद हो गया था। विवाद के चलते दोनों खुद एक दूसरे की शिकायत लेकर थाने में गए थे, लेकिन मामले का खुलासा होते ही यूपी पुलिस ने दोनों को दबोच लिया था। इनकी गिरफ्तारी के बाद गैंग के दो अन्य सदस्य 43 वर्षीय मेहंदी हसन उर्फ हरपाल सिंह और 20 वर्षीय मोहम्मद अरबाज खान अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए भागते फिर रहे थे, जिन्हें दिल्ली पुलिस की साइबर थाना टीम ने दबोच लिया है। दक्षिण पूर्व जिला डीसीपी ऐशा पांडेय ने बताया कि साइबर क्राइम टीम को मुखबिरों से सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ऑनलाइन फ्रॉड के मामले में फरार इंटरस्टेट गैंग के दो साइबर क्रिमिनल दक्षिण पूर्व दिल्ली में देखे गए हैं। फरार साइबर क्रिमिनलों को दबोचने के लिए इंस्पेक्टर संदीप पनवार एसएचओ साउथ ईस्ट साइबर पुलिस स्टेशन के नेतृत्व में एसआई मनोज भास्कर, हेड कांस्टेबल नवीन और कांस्टेबल उपेंद्र की एक टीम का गठन किया गया। टीम ने सरिता विहार और बदरपुर में सस्पेक्ट ठिकानों के सीसीटीवी फुटेजों को खंगाला। सस्पेक्ट ठिकानों के मोबाइल डंप डाटा और टेक्निकल सर्विलांस से पता चला कि आरोपी अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए राजस्थान के जयपुर में जाकर दुबक गए हैं। टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपियों की पिनपॉइंट लोकेशन को ट्रैक किया गया। 3-4 दिसंबर 2021 की दरमियानी रात को राजस्थान के कस्बा फरीदपुर में मुखबिरों की निशानदेही पर छापेमारी कर दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान फरीदपुर बरेली निवासी 43 वर्षीय मेहंदी हसन उर्फ हरपाल सिंह पुत्र कालू बजाज और ताजपुर पहाड़ी रामसुख कैंप बदरपुर दिल्ली निवासी 20 वर्षीय मोहम्मद अरबाज खान पुत्र मेहंदी हसन के रूप में हुई है। दक्षिण पूर्व जिला डीसीपी ऐशा पांडेय ने बताया कि आरोपियों ने गणेश इकोस्फीयर लिमिटेड नामक कंपनी को टारगेट करते हुए ऑनलाइन धोखाधड़ी से 80 लाख रुपए निकाल लिए थे। आरोपियों ने सबसे पहले गणेश इकोस्फीयर लिमिटेड कंपनी के ऑथराइज्ड सिग्नेचर अथॉरिटी पर्सन की सिमिलर फेक ईमेल आईडी mmgputa@ganeshikosfer.com क्रिएट करके बैंक को मेल और फेक लेटर हेड भेजकर कंपनी के बैंक खाते से 80 लाख रुपए अपने फर्जी 5-6 बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए थे। कंप्लेनेंट कंपनी गणेशा इकोस्फीयर लिमिटेड को इस धोखाधड़ी के बारे में तब पता चला जब उन्होंने अपना अकाउंट बैलेंस शीट चेक किया। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि उनकी गैंग का सरगना एक अफ्रीकी नागरिक है, जो पहले से ही यूपी की जेल में बंद है। उन्होंने आगे बताया कि गैंग लीडर विदेशी नागरिक जब अपना हिस्सा लेने उनके गांव फरीदपुर आया था, लेकिन रुखसार मंसूरी और गैंग लीडर विदेशी नागरिक के बीच कुछ विवाद हो गया। विवाद के चलते दोनों खुद एक दूसरे की शिकायत लेकर थाने में गए थे, लेकिन मामले का खुलासा होते ही यूपी पुलिस ने दोनों को दबोच लिया था। आरोपियों ने आगे बताया कि उनका गैंग बड़ी बड़ी कंपनियों को टारगेट करके कंपनी के ऑथराइज्ड सिग्नेचर अथॉरिटी पर्सन की सिमिलर फेक ईमेल आईडी और कंपनी का फेक लेटर हेड बनाकर ऑनलाइन धोखाधड़ी को अंजाम देते थे। आरोपियों ने बताया कि कंपनी के अथॉरिटी पर्सन की सिमिलर फेक ईमेल आईडी बनाकर बैंक को ईमेल और कंपनी के फेक लेटर हेड भेजकर अपने बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करवाने के बाद एटीएम से नकद पैसे निकाल लेते थे। आरोपियों ने बताया कि गैंग के एक सदस्य रुखसार मंसूरी के पास अलग अलग बैंकों में अलग अलग लोगों के नाम से कई कट खाते थे। इन्होंने कुछ खाते किराए पर भी ले रखे थे, जिनको यह कमीशन देते थे। 43 वर्षीय आरोपी मेहंदी हसन उर्फ हरपाल सिंह पुत्र कालू बजाज निवासी कस्बा फरीदपुर बरेली उत्तर प्रदेश ने 6वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। उसके खिलाफ कोई पिछली संलिप्तता नहीं पाई गई है। 20 वर्षीय आरोपी मोहम्मद अरबाज खान पुत्र मेहंदी हसन निवासी डी 1258 रामसुख कैंप बदरपुर दिल्ली ने 10वीं तक पढ़ाई की है। उसके खिलाफ कोई पिछली संलिप्तता नहीं पाई गई है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।